सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अपना एग्जांपल के साथ कि मिस्टर ए ने जो एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था बाटा के शूज की होलसेल ट्रेडिंग का, तो उनको वहां पे वर्किंग कैपिटल की नीड कहाँ पे पड़ रही थी, उनको कहाँ पे जरूरत महसूस हो रही थी कि मैं फंसा हुआ हूँ और मेरे को वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए। तो अभी इस वीडियो के थ्रू हम उसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें हम थोड़ा बैलेंस शीट्स डिफरेंट टाइम्स पे मिस्टर ए की बैलेंस शीट्स बना के भी देखेंगे और ये फील करेंगे, खुद फील करेंगे कि वो कहाँ पे चोक्ड है और कितनी अमाउंट से चोक्ड है। तो अभी हम इसको अमाउंट से ज्यादा करेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि मिस्टर ए के पास 10 लाख रुपए की कैपिटल थी और 10 लाख रुपए की कैपिटल में से उन्होंने 8 लाख रुपए के फिक्स्ड एसेट्स बाय कर लिए थे जिसमें लैंड और बिल्डिंग था। तो उन्होंने बाटा कंपनी के शूज की होलसेल ट्रेडिंग का काम शुरू किया था जिसमें उन्होंने बाटा कंपनी के साथ डील किया था कि बाटा कंपनी उनको मिनिमम से मिनिमम 7 लाख रुपीज का माल हर बार बेचेगी, 7 लाख रुपए से कम का माल वो कभी भी बाटा से बाय नहीं कर सकते। और 7 लाख रुपए का भी माल बाय करने के लिए तो बाटा कंपनी उनसे 2 लाख रुपए तो कैश लेगी और जो 5 लाख रुपए के लिए उनको हेल्प करेगी 30 दिन के लिए। तो मीन्स 30 दिन के लिए उनको बाटा कंपनी उधार माल बेचेगी, वो भी 5 लाख रुपए का। तो उन्होंने आगे डिसाइड किया था कि 30 दिन का तो स्टॉक मेरे पास, ये स्टॉक जो मैंने बाय करना है वो 30 दिन तो मेरे पास पड़ा ही रहेगा क्योंकि इतना तो मेरे पास हमेशा रहना भी चाहिए। तो क्योंकि उनको वैरायटी ऑफ चीजें इन्वॉल्व है इस चीज में। तो फर्दर जो वो आगे अपने कस्टमर्स को माल बेचते हैं तो वो उनके कस्टमर्स उनको 60 दिन से पहले पेमेंट्स नहीं कर पाते, तो 60 डेज का वो उनको क्रेडिट अलाउ करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो ये चीज हमने लास्ट वीडियो में थ्रू करी थी कि उनको मिस्टर ए को क्या क्या उनकी टर्म्स हैं, तो इनको मैंने अलग अलग टाइमलाइन में डिफाइन कर दिया। तो T0, T1, T2 एंड T3 तक, तो ये 30 डेज की अलग अलग टाइमलाइंस हैं। तो इनमें अलग अलग एक्टिविटीज हैं कि कौन सी टाइमलाइन पे वो मिस्टर ए कौन कौन सी उनके बिजनेस में एक्टिविटीज हो रही हैं। तो अभी हम उनसे ये देखना चाहते हैं कि अभी उनको वर्किंग कैपिटल की नीड किस तरह से पड़ेगी और उनकी बैलेंस शीट की पोजिशन क्या क्या दिखेगी। तो सबसे पहले जब आज की डेट है टुडे, तो उन्होंने आज की डेट में बाटा कंपनी से शू बाय करे हैं 7 लाख रुपीज के। तो याद रखिए कि 7 लाख रुपीज में उनके टर्म्स क्या हैं, 5 लाख रुपए का तो उनको उधार मिलेगा, 2 लाख रुपए उनको कैश देने पड़ेंगे। और आज की डेट में इनके पास कैश कहाँ से आया, 10 लाख में से 8 लाख तो उन्होंने फिक्स एसेट बाय कर लिए थे और 2 लाख रुपए इनके पास यहाँ पे बचा हुआ था इनको देने के लिए। तो ये आज की डेट में इनको 2 लाख रुपए का कैश बाहर के बाहर निकल गया। तो इनकी बैलेंस शीट कैसे दिखेगी, बैलेंस शीट कैसे बनेगी इनकी। तो अभी आज की डेट में वो चोक्ड नहीं है, सबसे पहली बात उनकी जो कैपिटल है वो आ जाएगी कैपिटल उनकी 10 लाख रुपए की, वो हमने ऊपर ही मेंशन कर दिया था। उनके जो फिक्स एसेट्स हैं वो आ जाएंगे 8 लाख रुपए के जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग है। उनका जो स्टॉक है वो स्टॉक इनके पास आ जाएगा 7 लाख रुपीज का क्योंकि उन्होंने 7 लाख रुपए का स्टॉक बाय कर लिया। तो उनके बाटा कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं वो आ जाएंगे 5 लाख रुपए के। तो इनकी ये बैलेंस शीट आज की डेट में बनेगी। तो मींस 7 लाख रुपीज के स्टॉक में से 2 लाख रुपए तो उनके खुद के इन्वेस्टेड है और 5 लाख रुपए बाटा कंपनी के साथ इन्वेस्टेड है। ये आज की डेट की बैलेंस शीट है। और आज की डेट की बैलेंस शीट में अपना जो क्लाइंट है वो नॉट चोक्ड, चोक्ड इन द सेंस कि आज फंसा हुआ नहीं है वो क्लाइंट, आज की डेट में कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी आपको उसकी दिक्कत दिखनी शुरू हो जाएगी। अब 30 दिन का बाद, 30 दिन के बाद का पीरियड आ गया T=1 वाला। तो अब आज की डेट में क्या क्या होना है, हमने बताया था कि 30 दिन के लिए उसने अपने पास माल स्टॉक करके रखना है। तो ये सारे 30 के 30 दिन उसने अपने पास ये 7 लाख रुपीज का जो माल है इसको अपने पास स्टॉक करके रखा और उसके बाद आज की डेट में इसने इस माल को बेच दिया। जो ये माल था 7 लाख रुपीज का ये आज इसने सेल कर दिया। तो इसके साथ साथ हमें बैलेंस शीट बना ही लेते हैं कि इसकी बैलेंस शीट कैसे दिखेगी। देखिए बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स तो चेंज होने वाले हैं नहीं, फिक्स एसेट्स तो 8 लाख रुपए के ही रहेंगे। अब जो ये 7 लाख रुपीज का स्टॉक था पिछला, ये इन्होंने बेच दिया। अब इन्होंने कितने टाइम के लिए बेचा है, ये 60 दिन के उधार के लिए बेचा है, यानी कि जो आज की डेट में माल बेचा है इसकी पेमेंट यहां पे आएगी उनको 30 + 30 60 दिन के बाद। तो ये जो स्टॉक है इनका, मैं इसमें कोई प्रॉफिट, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि क्लाइंट ब्रेक इवन पॉइंट पे काम कर रहा है, इसमें कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। ये सिर्फ एक सिंपलिसिटी के लिए है ताकि आप जस्ट एक आइडिया समझ पाए कि उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है। तो उनको जितना ज्यादा मैं प्रॉफिट एंड लॉस को ऐड करूंगा या अदर एक्सपेंसेस जो बिजनेस में होते हैं उनको ऐड करूंगा तो ज्यादा कंबरसम हो जाएगी मेरी एग्जाम्पल। तो
तो मैं सिंपलिसिटी के लिए अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं है माल बेचने में, तो ये जो स्टॉक है वो बिक गया, तो उनके जो ये स्टॉक है वो डेटर्स में कन्वर्ट हो गया, तो इनके यहाँ पे डेटर्स बन गए 7 लाख रुपीज के, इसी स्टॉक के जो है वो डेटर्स बन गए उनके, ठीक है। तो फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपको ध्यान होगा कि बाटा कंपनी ने डील क्या थी कि 2 लाख रुपए तो मेरे को आप आज दे दो, जो उन्होंने कैश बचा हुआ था 2 लाख रुपए दे दिए थे। सेकंड डील थी कि जो 5 लाख रुपए आपके हैं, ये वाले 5 लाख रुपए, ये आप देना मुझे 30 दिन बाद, यानी कि यहाँ पे उनकी डील हुई थी तो 30 दिन बाद, यानी कि आज उनको वो 5 लाख रुपए की पेमेंट करनी है बाटा कंपनी को। इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो 5 लाख रुपए की पेमेंट करनी है बाटा कंपनी को, तो ये अगर 5 लाख रुपए की पेमेंट करेंगे तो ये बाटा कंपनी खत्म हो जाएगी। पहले हम देखते हैं कि उनके पास पेमेंट है भी या नहीं। तो उनकी बैलेंस शीट है फिक्स एसेट्स उनके पास 8 लाख रुपए के, ये स्टॉक बिक गया, ये है डेटर्स उनके 7 लाख रुपीज के, और उनकी जो कैपिटल थी वो है 10 लाख रुपए की। तो अभी उनके पास क्या प्रॉब्लम आ रही है, अभी एक तो उन्होंने पेमेंट करनी है बाटा कंपनी को पिछली वाली कितने रुपए की, 5 लाख रुपए की, एक तो 5 लाख रुपए की पेमेंट करनी है बाटा कंपनी को, प्लस क्योंकि सारा माल उन्होंने बेच दिया, यहाँ पे सारा शू सेल कर दिए, अभी उनके पास यहाँ पे स्टॉक नील हो गया एक तरह से, ये बेचने के बाद, इस एक्टिविटी के बाद स्टॉक नील हो गया, तो अभी उनको नया ऑर्डर भी बुक करना है। अब नया जब ऑर्डर बुक करना है तो हमने पहले ही डिसाइड किया होगा कि जो ऑर्डर बाटा कंपनी के साथ डील है वो 7 लाख रुपीज का ऑर्डर उनको प्लेस करना ही पड़ेगा, जिसमें से उनको 2 लाख रुपए कैश देने पड़ेंगे और 5 लाख रुपए का उधार देना पड़ेगा। तो जो न्यू ऑर्डर बुकिंग है वहां पे 2 लाख रुपए उनको कैश पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये 7 लाख रुपीज जो है, 7 लाख रुपीज जो है ये इनके पास अभी नहीं है। तो मतलब यहाँ पे आके वो फंस चुके हैं कि मैं 7 लाख रुपीज कहाँ से लेके आऊँ बाटा कंपनी को पे करने के लिए, अपना फर्दर ऑर्डर बुकिंग कर लिए, अपने साइकिल को रोटेट करने के लिए। तो एक तो तरीका है कि आप इस चीज के लिए बैंक के पास जाएं, तो मैं उस चीज के ऊपर बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसमें सिंपलिसिटी के लिए अज्यूम करता हूँ कि क्लाइंट ने क्या किया, अपने कोई घर की फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी सेल कर दी, अपना पैसा इन्वेस्ट करने की। आप देखिए, अब वो जायदाद बेच रहा है, अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, क्यों? क्योंकि उसने वर्किंग कैपिटल में जो उसका पैसा इन्वेस्ट होना है, जो वर्किंग कैपिटल में उसको डिफरेंट टाइम्स पे पैसा चाहिए, उसका उसने पहले आइडिया लगाया ही नहीं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, जो कि उसको पहले करना चाहिए था। तो चलो प्रॉपर्टी सेल करके उसने 7 लाख रुपीज का माल, 7 लाख रुपीज उसके पास इनकमिंग हो गई, आ गए उसके पास 7 लाख रुपीज। तो जब उसने प्रॉपर्टी, अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी उसने सेल करी है, तो ये बैलेंस शीट के बाहर की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी उसने पर्सनल सेल करी है, तो उससे उसको 7 लाख रुपीज आ गए हैं, तो उसने उसको अपनी कैपिटल में इंसर्ट कर दिया। 7 लाख रुपीज को इंसर्ट करके उसकी जो कैपिटल है वो 17 लाख रुपीज हो गई, और यहाँ पे उसके पास कैश आ गया 7 लाख रुपीज का। अब उस कैश को उसने कैसे यूटिलाइज किया, कैश को यूटिलाइज करने के लिए उसने नया, पहले तो अपने पुराने क्रेडिटर्स को, पुराने बाटा कंपनी के क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी 5 लाख रुपए को, तो ये खत्म हो गए उसके आज की डेट में। फिर उसने क्या किया, उसने नया 7 लाख रुपीज के स्टॉक मंगवा लिया, 7 लाख रुपीज का स्टॉक मंगवा लिया, तो ये 5 लाख रुपए यहाँ पे दे दिए, 2 लाख रुपए उसमें दे दिए, तो ये कैश उसका 7 लाख रुपीज का सारा खत्म हो गया। तो उसके पास स्टॉक आ गया फर्दर 7 लाख रुपीज का, क्योंकि नया ऑर्डर उसने मंगवा लिया। अब जब नया उसने 7 लाख रुपीज का ऑर्डर प्लेस किया, तो 5 लाख रुपए के साथ उसको बाटा कंपनी के क्रेडिटर्स ने हेल्प कर दी, तो 5 लाख रुपए से उसको यहाँ पे हेल्प मिल गई, तो यहाँ पे उसकी जो बैलेंस शीट है वो पूरी हो गई। तो मतलब, तो इस पूरे सिनेरियो में वो 7 लाख रुपीज से चौक्ड था एट T1, ठीक है। तो अभी T2 जब सेकंड टाइम लाइन पे जाएंगे तो सेम प्रोसेस सेकंड टाइम लाइन में भी रिपीट होगी उसकी। तो सेकंड टाइम लाइन में आपको क्या पोजीशन दिखेगी उसकी बैलेंस शीट की, इस सेकंड टाइम लाइन की बैलेंस शीट बना के देखते हैं 30 दिन बाद की। तो पहले फिक्स्ड एसेट्स तो उसके चेंज होने नहीं है, वो 8 लाख रुपए के ही जाएंगे, ठीक है। अब उसने जो यहाँ पे स्टॉक बाय कर लिया था नया 7 लाख रुपीज का, उसको 30 दिन के लिए अपने पास होल्ड करके रखा, और T2 पे उसको बेच दिया, उस स्टॉक को, इस वाले स्टॉक को यहाँ पे बेच दिया। तो उसके जो डेटर्स थे, ये 7 लाख रुपीज के डेटर्स जो थे, इनकी पेमेंट 60 दिन बाद आनी है, तो अभी तो 30 दिन बीते हैं, तो इनकी पेमेंट तो आई नहीं है, तो ये भी वैसे के वैसे हैं। प्लस जो पिछला वाला माल बेच दिया,
फ्रेश सेल जो की है उसकी पेमेंट आगे 60 दिन बाद आएगी आगे चल के, तो 7 लाख रुपीज वो हो गए। तो उसके डेटर्स जो हो गए वो 14 लाख रुपए के डेटर्स हो गए। यहाँ पे 14 लाख रुपए उसने अपने पार्ट क्लाइंट से लेने हैं पैसे। तो ये तो इसकी दोनों चीजें हो गई साथ में। और अभी आगे की चीज क्या है, उसके आगे की उसने अपना बाटा कंपनी से फिर अपना स्टॉक उसने ऐड करवाना है। तो अभी पहले उसकी इक्विटी लिख लेते हैं। जो इक्विटी है उसकी वो 17 लाख रुपीज की है। तो फ्रेंड्स अभी फिर से वही सेम कहानी रिपीट होगी। जो ये बाटा कंपनी के 5 लाख रुपए के क्रेडिटर्स थे इनकी पेमेंट करनी है इसको आज, 5 लाख रुपए की पेमेंट करनी है आज, क्योंकि इसने सारा स्टॉक जो बाय किया था वो आज की डेट में सेल कर दिया। तो फ्रेश स्टॉक भी बुक करना है, और जब फ्रेश स्टॉक बुक करना है तो 2 लाख रुपए उसको यहाँ पे कैश भी देने पड़ेंगे, क्योंकि बाटा कंपनी तो 5 लाख से हेल्प करती है। तो 7 लाख रुपीज से वो अगेन चौक्ड हो चुका है क्लाइंट। अगेन जो है उसको 7 लाख नीड, ही नीड्स 7 लाख रुपीज। 7 लाख रुपए उसको आज की डेट में फिर से चाहिए। अब जब 7 लाख रुपए चाहिए, अब वही है कि पहले भी उसने गलती की यहाँ पे 7 लाख रुपीज की, अब यहाँ पे भी गलती की 7 लाख रुपीज की। तो अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसने क्या किया कि अपने घर की ज्वेलरी सेल कर दी, ज्वेलरी सेल कर दी और 7 लाख रुपीज ले आया। तो मतलब वो क्या लेके आया, कैपिटल ले आया 7 लाख रुपीज की। तो उसकी कैपिटल होगी बिजनेस में 24 लाख रुपए, 17 प्लस 7 24 लाख रुपए। तो यहाँ पे उसके पास कैश आ गया 7 लाख रुपीज का, जो ज्वेलरी उसने पर्सनल ज्वेलरी सेल करके अपना कैश मंगवा लिया 7 लाख रुपीज का। तो अब ये 7 लाख रुपीज से क्या करेगा, 5 लाख रुपए की तो ये पिछली पेमेंट कर देगा सारी, ये खत्म हो गए। 2 लाख रुपए फ्रेश ऑर्डर की बुकिंग के पे कर देगा, तो ये कैश उसका सारा खत्म हो जाएगा 7 लाख रुपीज का। तो यहाँ पे जो नया ऑर्डर बुक किया उसके क्रेडिटर्स आ जाएंगे 7 लाख रुपीज के, और जो नया स्टॉक है वो आ जाएगा 7 लाख रुपीज का। तो उसकी जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पे बन जाएगी। तो ये इसका टोटल बनेगा 31 लाख रुपीज। एक सेकेंड, यहाँ पे इनका टोटल बनेगा, यहाँ पे उन्होंने 8 लाख रुपए के फिक्स्ड एसेट्स बाय करे थे, 17 लाख रुपीज की उसकी कैपिटल थी। तो क्रेडिटर्स यहाँ पे 2 लाख रुपए के हैं, सॉरी, तो ये 5 लाख रुपए के हैं क्रेडिटर्स, 5 लाख रुपए के क्रेडिटर्स हैं। तो ये 29 लाख्स है, तो 29 लाख से बैलेंस शीट उसकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक तो उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो हमने यहां तक क्या देखा है कि वो जो क्लाइंट है टोटल 14 लाख टिल डेट उसको शॉर्ट पड़े हैं, जिसको उसने रिकवर किया है अपनी प्रॉपर्टी बेच के या ज्वेलरी बेच के, जो उसकी उसकी एक नेगेटिविटी दिखा रहा है कि उसने अपने बिजनेस को किस तरह से मैनेज किया। ठीक है, तो अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट टाइमलाइन पे आ गए हैं, फर्स्ट वर्किंग कैपिटल साइकिल जब उसका कंप्लीट हो रहा है T3 पे। इसमें इसको जो यहां पे उसने माल बेचा था 60 दिन के उधार पे, इसको यहां पे उसकी पेमेंट आनी है। तो अभी इसकी हम बैलेंस शीट इस डेट को बना के देखते हैं कि अब बैलेंस शीट उसकी कैसे नजर आएगी। उसकी पहले इक्विटी जो थी, कैपिटल जो थी हमारी लास्ट एग्जाम्पल में, वो थे 24 लाख रुपए की। फिक्स एसेट्स जो थे वो तो सेम ही रहेंगे 8 लाख रुपए के। ठीक है, अब पोजीशन क्या है, जो उसके डेटर्स थे वो थे 14 लाख रुपए के, 14 लाख रुपए के डेटर्स थे उसके। अभी जो उसने 7 लाख रुपीज के ये वाले डेटर्स थे, एक तो 7 लाख ये थे और 7 लाख नए ऐड हुए थे, ये 14 लाख टोटल ऐसे बना था। जो ये 7 लाख रुपीज के डेटर्स हैं इनसे अब उसको पेमेंट आ गई है। तो अब यहाँ पे उसके पास कैश आ चुका है 7 लाख रुपीज का, 7 लाख रुपीज का उसके पास कैश आ गया। तो अब उसने जो माल पिछली बार बाय किया था वो उसने बेच भी दिया इस बार। तो जो वो माल ये वाला बेचा 7 लाख रुपीज का, तो इसके नए डेटर्स न्यू एड हो गए 7 लाख रुपीज के डेटर्स, और जो पुराने थे डेटर्स वो माइनस हो गए 7 लाख रुपीज के, जिनसे उसको पेमेंट आ गई यहाँ पे, वो एक तरह से कैश में कन्वर्ट हो गए। तो नटशेल में इसके जो डेटर्स हैं वो अब 14 लाख रुपए के रहे यहाँ पे। तो कैश आ गया उसके पास 7 लाख रुपीज का डेटर रियलाइजेशन से। तो अभी उसको क्या है कि नया माल उसने सेल कर दिया, तो 7 लाख रुपीज के डेटर्स बन गए, स्टॉक उसके पास खत्म हो गया क्योंकि उसने माल बेच दिया। तो अब नया स्टॉक बुक करेगा, तो नया स्टॉक बुक करने के लिए वही उसको फिर से
2 लाख रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी, प्लस ये 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, तो इसका कैश सारा निकल जाएगा जो उसको डेटर रिलेशन से आया था। तो यहाँ पे उसके पास स्टॉक आ जाएगा गेन 7 लाख रुपीज का। तो अगेन उसके पास जो अपना क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि उसने नया स्टॉक बाय कर लिया, तो क्रेडिटर्स उसके पास रहेंगे 5 लाख रुपए के। तो ये उसकी बैलेंस शीट की पोजीशन बन जाएगी 29 लाख रुपीज। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने देखा होगा कि जैसे ही उसका क्लाइंट का वर्किंग कैपिटल साइकिल फर्स्ट साइकिल जो था वो जैसे ही कंप्लीट हुआ, उसको फिर दिक्कत नहीं आई, उसको फिर यहां पे जाके दिक्कत नहीं आई। तो फिर जब अब इसकी रोटेशन स्टार्ट हो गई है, तो रोटेशन स्टार्ट होने के बाद आप जब भी नेक्स्ट 30 डेज का साइकिल बनाओगे तो वो अब नहीं फंसेगा। प्रोवाइडेड इसमें एग्जांपल में बहुत सारी अजम्पशंस है कि अभी साइकिल चेंज नहीं हो रहा, कभी पेमेंट आगे पीछे नहीं हो रही। प्रैक्टिकल सिनेरियो में बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है इस चीज में। इसके अलावा और भी ज्यादा उसके खर्चे होते हैं जो उसको तंग करते हैं, जो दिक्कत करते हैं। तो नटशेल में यहाँ पे देखिए आपकी 14 लाख रुपए से वो शॉर्ट पड़ा। अब वो 14 लाख रुपए उसने कैसे अरेंज करे हैं? 14 लाख रुपए उसने अपनी प्रॉपर्टी सेल करके अरेंज करे हैं, उसने अपनी ज्वेलरी सेल करके अरेंज करे हैं। तो जब ये वर्किंग कैपिटल साइकिल उसका कंप्लीट हो गया, तो अगर हम उसका ये देखें साइकिल को, तो उसके जो इस पे बैलेंस शीट की मैं बात कर रहा हूँ, जो उसके डेटर्स हैं, उसके 14 लाख रुपए के डेटर्स में इन्वेस्टमेंट्स अब लगी रहेगी हमेशा ही। जब उसकी जो फाइनल पिक्चर बेसिकली जो निकल के आई है, अब जो उसका स्टॉक है वो 7 लाख रुपीज का रहेगा, उसके जो क्रेडिटर्स हैं उससे उसको हेल्प हमेशा 5 लाख रुपए से रहेगी, ठीक है। और जो उसकी जो चॉकिंग रहेगी यहाँ पे, चॉकिंग रहेगी उसकी 16 लाख रुपीज की, उसको यहाँ पे ओवरऑल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नजर आती है कि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उसको 16 लाख रुपए की है। आपने ध्यान दिया होगा कि ये 16 लाख रुपए की जो रिक्वायरमेंट है, जब हमने केस स्टडी स्टार्ट करी थी तो 2 लाख रुपए कैपिटल, अपने कैपिटल में से 2 लाख रुपए वो वर्किंग कैपिटल में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका था। तो 16 लाख की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में से 2 लाख रुपए तो उसने इन्वेस्टेड खुद के ही करे हुए हैं, सेल्फ इन्वेस्टेड है, और जो बाकी बैलेंस है 14 लाख रुपए वो उसने अरेंज करे हैं। अब यहीं पे जाके जब हम नेक्स्ट क्रेडिट अंडरराइटिंग को समझेंगे, जब फाइल इस क्लाइंट ये लोन के लिए अप्लाई करेगा, तो ये फाइल जब आपके पास मूव होगी, तो ये हम 14 लाख रुपए को ही पास ही हमारा काफी टाइम घूमेगा कि 14 लाख रुपए के अराउंड हमने गैप ढूंढ के उसको फंडिंग कितनी करनी है कितनी नहीं, ये हम उस टाइम पे देखेंगे। तो इस चीज में एक और भी चीज एक छोटी सी मैं ऐड करना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल कई बार क्लाइंट इसमें जरूरी नहीं है कि एक प्रॉपर्टी सेल करके या ज्वेलरी सेल करके ही पैसा ऐड हो, तो ये क्लाइंट्स इसकी जगह अपने फ्रेंड्स से, अपने कोलिग्स से या अपने किसी रिश्तेदार से उधार के लिए लोन ले लेते हैं, अनसिक्योर्ड लोन से ले लेते हैं। तो अगर वो अनसिक्योर्ड लोन लेते तो उसकी कैपिटल यहाँ पे अगर 10 लाख रुपए होती शॉर्ट टर्म के लिए, अगर वो लोन ले लेते फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन्स की लाइबिलिटी आ जाती 14 लाख रुपए की। तो जब हम कभी लेक्चर्स में आगे डिटेल्स में जाएंगे तो आप समझेंगे कि ये सारी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बैंक की फंडिंग से रिप्लेस हो सकती है। तो वो थोड़ा इनडेप्थ टॉपिक है, जैसे जैसे आप ग्रेजुअली इस चीज को समझते जाएंगे, आगे मूव एड होते जाएंगे, तो आप इस चीज को और भी क्लियरली समझ पाएंगे।